सारणिक विधि से आपको बताना है कि ये जो तीनों बिंदु ऊपर मैंने सवाल में लिख रखा है ना, ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। तो ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा गारंटी लेता हूँ कि पूरा पूरा समझा दूँगा। और दूसरी बात कि ये इतना आसान सवाल आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कहोगे दुनिया में इससे आसान सवाल कोई है ही नहीं। और ये एग्ज़ाम में हर दो साल बाद एक बार ज़रूर आ जाता है। तो पता नहीं इस साल किस ज़िले में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, इस बात को तो मान लीजिए। तो भाग्य भरोसे मत रहिएगा, ये मान के चलिए कि ये आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि पूरा अंतिम तक देखना और कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं आया। कौन कौन पूरा अंतिम तक देखेगा, एक बार कमेंट में लिख देगा YES। अगर आपने यस लिख दिया तो मैं समझता हूँ कि आप शुरू से आखिरी तक देखोगे, ठीक है। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, पहले सवाल पर एक नज़र डालते हैं। दिया कि सारणिक विधि से दिखाइए कि बिंदु ए कोष्टक में ए कामा बी प्लस सी, बी कोष्टक में बी कामा सी प्लस ए तथा सी कोष्टक में सी कामा ए प्लस बी संरेख हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, जब कभी संरेख हैं वाली बात कहे, चाहे वो सरल रेखा में, चाहे त्रिकोणमिति में, चाहे क्षेत्रफल में, चाहे कहीं भी संरेख वाली बात कहे, तो समझ लेना कि उन तीनों बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज़ीरो होगा। क्या याद रखना, हमेशा अगर संरेख कहे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीनों बिंदु का क्षेत्रफल ज़ीरो होगा। जैसे आपके मैं बोलता हूँ मैंगो, जब मैं कहूँगा मैंगो तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आम, पका हुआ आम, आप खाएंगे या खाने वाले हैं या ख़रीदने वाले हैं, तो आम का सीन आपके दिमाग में क्रिएट होगा ना। तो जब जब किसी भी चैप्टर में संरेख कहा जाए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ क्षेत्रफल जीरो ही दिखाना है, क्षेत्रफल जीरो ही दिखाना है। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जीरो, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप या आपका कोई भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त लगता है आपको कि गणित में बहुत कमज़ोर है, मैथ में इंटर में एकदम से बेकार हैं, ख़राब नंबर पाने वाले हैं या फेल ही हो जाएंगे मैथ में, तो ऐसा मत सोचिए। आप लोगों के लिए मैंने 16 घंटे की वीडियो तैयार किया है। 16 घंटे की वीडियो के अंदर सिर्फ वही सवाल का मैंने वीडियो बनाया है जो सवाल बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। यानी टोटल 16 घंटे का टाइम देंगे तो एक बार चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक पूरा कंप्लीट आप दोहरा लेंगे, और वे सवाल दोहराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा विथ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसे पाने के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर लीजिए। इसका फीस मैंने रखा है 200 रुपया, एक बार 200 रुपया पे करना है। इस नंबर पे कॉल करिए, इसी नंबर पे पे करिए, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए और इसी नंबर से कोर्स आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, तुरंत एक्शन लीजिए। अब ये सवाल समझिए, मैंने क्या बोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, अच्छा ठीक है। तो सारणिक विधि से क्षेत्रफल जीरो दिखाना है, यहाँ लिख दिया है ना सारणिक विधि। तो सारणिक विधि के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है सूत्र क्षेत्रफल का। होता है 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2 सारणिक वाला ऐसे डंडा खींच लीजिए, खींच लिया आपने, तीन बिंदु हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहला वाला इसका, इसमें पहले क्या है ए है, इसमें पहले क्या है बी है, और इसमें पहले क्या है सी है। तो ऐसे लिख दो ए बी सी। फिर इसका दूसरा वाला यानी बी प्लस सी, इसका दूसरा वाला है सी प्लस ए, इसका दूसरा वाला है ए प्लस बी। अब उसको भी लिख लो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी।
और लास्ट में यहाँ कुछ भी नहीं बचा है लिखने के लिए, तो अपनी मर्जी से वन 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 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अपने पास से लिखते हैं वन 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 वन। क्लियर? अब देखो ये कहाँ पाया मैंने, ए और बी प्लस सी यहाँ से लिखा हूँ, ए बी प्लस सी। ये कहाँ से मिला? बी और सी प्लस ए, यहाँ से देख के लिखा हूँ बी और सी प्लस ए। ये ए सी और ए प्लस बी कहाँ मिला? यहाँ पे है सी और ए प्लस बी। क्लियर? ये वन 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 अपने पास से लिखना है। अब इसी को सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते करते कर जीरो लाना है। अगर जीरो आ गया तो समझिए कि सिद्ध हो गया। तो जीरो आएगा, ज़रूर आएगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, पहले वाली लाइन को बीच वाली लाइन में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पहली लाइन को बीच वाली लाइन में जोड़ के बीच में लिख दो, ठीक है? तो क्या होगा, एक बटे दो यहीं रहने दो, ए बी सी भी यहीं रहने दो। ए को बी प्लस सी में जोड़ेंगे आप तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, बी को सी प्लस ए में जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा ये भी, और ए प्लस बी प्लस सी ये भी होगा। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, दिख जाएगा। देखिए दिख गया ना। अब ये लास्ट वाला वन 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 यहीं रहने दीजिए, वन वन वन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब इधर हम आपको बता दे रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा ही रुकिएगा, ज़्यादा नहीं। नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर ना मिटे, आपको नंबर मिल जाएगा। देखो मैंने आपको हमेशा हमेशा बताया है, गणित में जब कभी कामन लेने का मौका मिले तो कामन ज़रूर लेना चाहिए। तो हमें वो मौका यहाँ मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बीच वाली लाइन से ए प्लस बी प्लस सी कामन हो जाएगा। तो ये एक बटे दो आपका तो है ही, बीच वाली लाइन से ए प्लस बी प्लस सी कामन होके आ रहा है ऐसे। अब क्या बचेगा अंदर, ए बी सी बचेगा, और जब ये और ये और ये तीनों कामन हो गया तो यहाँ भी क्या बचेगा, वन, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा वन, वन वन वन, और सबसे आखिरी लाइन में तो वन 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 है ही, ठीक है? और सारणिक का जानते हो नियम होता है, जब किसी सारणिक के कोई भी दुगो स्तंभ चाहे पंक्ति, स्तंभ पंक्ति नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, सारणिक में जब कभी भी दुगो लाइन आपस में बराबर हो जाए, कोई दुगो लाइन, तो उसका वैल्यू जीरो होता है। क्या सुना आपने, फिर से सुनिए, सारणिक में जब कोई भी दो लाइनें आपस में बराबर हो जाएं तो उनका मान जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन बीच वाली आखिरी वाली, ये दोनों आपस में क्या है, एक समान है, तो इस वजह से ये पूरा पूरा सारणिक का मान इसका जीरो हो जाएगा। एक बटे दो ए प्लस बी प्लस सी अगुणे, ये टोटल सारणिक का मान क्या हुआ, जीरो। अब जीरो का गुणा इधर होगा तो साफ जीरो हो जाएगा, ठीक है? लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है? तो कोई बालक बालिका ये नहीं कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा, मैं अगले वीडियो में फिर से इसी सवाल के जैसा दूसरा सवाल लेकर के बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। थैंक यू।